नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश वानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा ही कुछ लास्ट वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट ग्रहों के बारे में कि किस ग्रह की क्या क्वालिटीज हैं, क्या उनके लिए दान करने चाहिए, क्या उनके लिए शांति मंत्र करने चाहिए, क्या उनसे प्रोफेशन देखते हैं, क्या उनसे बीमारियां देखते हैं, तो सभी ग्रहों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। चंद्र सूर्य से लेके और शुक्र तक मैंने आपको बता दिए हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। आज शनि की बारी है। आज शनि के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि शनि से क्या क्वालिटी है, शनि से क्या चीज देखते हैं और शनि से कौन से प्रोफेशन देखते हैं, शनि से कौन सी बीमारियां देखते हैं, उन सब के बारे में, और शनि किन चीजों का कारक। देखिए, शनि सबसे स्लो ग्रह होता है, जो हमारा सौर मंडल है उसमें सबसे स्लो ग्रह होता है। उसको एक चक्कर लगाने में 30 वर्ष लगते हैं, पूरे चक्कर का एक चक्कर लगाने में उसको 30 वर्ष लगते हैं। इसकी कक्षा ही बहुत बड़ी होती है और चूंकि ये स्लो चलता है बहुत, इसलिए इसको शनैश्चर कहते हैं। शनैश्चर मीन्स के धीरे चलने वाला, शनै शनै चलने वाला। इसे मंद ग्रह भी कहा जाता है। इसके लिए ये बात होती है कि ये उदय होने के बाद, सवा मास बाद उदित होता है, अस्त होने के बाद। जब भी शनि अस्त होता है उसके सवा मास के बाद ये उदित होता है और उसके 3.5 मास बाद वक्री हो जाता है और पुनः 4.5 मास बाद अस्त हो जाता है। वेदों में शनि का जिक्र किया गया है, वेदों में शनि का जिक्र किया गया है और वेदों में शनि को यम बोला गया है, काल बोला गया है, मृत्यु बोला गया है, मंद आदि नामों से जाना जाता है वेदों में। यानी पुराने जमाने में भी, यानी पुराने काल में भी, प्राचीन काल में भी शनि को जो है दुख की संज्ञा दी गई है। तो आप इसे लगा सकते हैं कि शनि वेदों में यम, काल, मृत्यु तथा मंद आदि नामों से जाना जाता है और शनि को दुख की संज्ञा दी गई है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये दुख का कारक है। क्वालिटीज क्या होती हैं इसकी? देखिए, प्लैनेट ऑफ लॉजिक है, बहुत ही लॉजिकल प्लैनेट होता है जो शनि, जिसका मजबूत हो, बहुत ही लॉजिकल होता है, फिलोसफिकल आदमी होता है, थोड़ा कंजूस टाइप का प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, थोड़ा सीक्रेटिव टाइप का नेचर होती है, मतलब चीजों को आसानी से पता बाहर नहीं आने देता अपने। इसका वैदिक शांति मंत्र भी यजुर्वेद में दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का शनि अगर अच्छा नहीं है तो ये वाला वैदिक शांति मंत्र करने से उसको बिल्कुल फायदा होना चाहिए, क्योंकि ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें लिखा है, ओम शनो देवी रविष्टिय आपो भवंतु पीतये शय्यो रवि स्त्रवंतु न। ये मंत्र यजुर्वेद का है। इस मंत्र को करके शनि की शांति की जा सकती है। शनि शांति के लिए ही मंत्र दिखाया गया है। आर्टिकल ऑफ डोनेशन में बताया गया है कि शनि के लिए जब शनि किसी का खराब हो या शनि किसी का पीड़ित हो तो क्या का क्या चीज दान करनी चाहिए। तो लोहा दान कर सकते हैं, काले कपड़े दान कर सकते हैं, काले फूल दान कर सकते हैं, दाल दान कर सकते हैं, आपके काली गाय दान कर सकते हैं, काला घोड़ा दान कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप दान कर सकते हैं काले रंग की, अगर शनि आपका कुंडली में पीड़ित है। शनि से डिफरेंट प्रोफेशन भी देखते हैं और बीमारियां भी देखते हैं। सर्विंग क्लास, जितना भी सर्विंग क्लास है, क्योंकि शनि जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, तो जितने भी सर्विंग क्लास लेबर वर्किंग है या हार्ड वर्किंग जॉब्स हैं, मीनियल जॉब्स हैं, जो जहाँ पे हाथ से काम करने वाला होता है, मैनुअल काम वाला होता है, अनस्किल्ड कैटेगरी के जॉब हैं, सेमी स्किल्ड कैटेगरी के जॉब हैं, फिजिकल वर्क हैं, ये सारे वर्क, जितने भी टाइप के वर्क हैं, ये सारे वर्क शनि के अंडर में आते हैं। शनि इनको रिप्रेजेंट करता है। शनि रिप्रेजेंट करता है मैसन से वर्क को, जो मिस्त्री होते हैं, एग्रीकल्चर के वर्क को, कृषि का वर्क भी शनि ही रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक आर्ट एंड मैजिक, जो काला जादू बोलते हैं, उसका भी शनि ही रिप्रेजेंट करता है। बिल्डर्स, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, वो भी शनि रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लैंड सेल परचेज शनि से देखी जाती है। तो बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं वो भी शनि के अंडर में आते हैं, उनको भी शनि से देखा जाता है। लायर, लेबर लायर बेसिकली, जो लेबर के वकील होते हैं, उन लोगों को, जो लेबर कोर्ट में केस लड़ते हैं, उन लोगों को इस केस इसमें लिया जाता है। जियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है शनि। माइनर कॉन्ट्रेक्टर वर्क को रिप्रेजेंट करता है। साधु संतों को भी रिप्रेजेंट करता है। मास की साइकोलॉजी समझने वाला होता है। कॉफिन मेकर, यानी जो मरे लोगों के लिए कॉफिन बनाते हैं, वो कॉफिन मेकर का प्रोफेशन भी शनि के अंडर में ही आता है। एम्प्लॉइज ऑफ क्रिमेशन ग्राउंड, जो क्रिमेशन ग्राउंड पे एम्प्लॉय होते हैं, कब्रिस्तान में या शमशान में जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो भी शनि के अंडर में आते हैं। आइस मेकर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
आर्कियोलॉजी, चीट्स, बैगर्स एटसेट्रा, ये सब चीजें जो हैं शनि के अंडर में आती हैं। शनि से होने वाली बीमारियां भी काफी हैं, पैरों की बीमारी हो सकती है, नर्वस सिस्टम, शनि सर नर्वस सिस्टम को डिनोट करता है, तो नर्वस सिस्टम की बीमारी हो सकती है अगर शनि पीड़ित हो। इंजरी इन लेग्स हो सकती है, पैरों में बीमारी हो, पैरों की प्रॉब्लम हो सकती है, चोट लग सकती है, लंबी बीमारियां हो सकती हैं, दुख आदमी को रह सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, हैंडीकैप्ड लेग मतलब आदमी अपाहिज बन जाता है इसके अंदर, वो भी इसके अंदर ये रहता है, लेजी बन जाता है, बहुत आलसी बन जाता है, और काफी आलसी मतलब बहुत ज्यादा आलसी हो जाता है अगर ये शनि से जो फैलने वाले डिसीज हैं इसके अंदर आदमी बहुत ज्यादा आलसी हो जाता है। ये कुछ बीमारियां हैं जो शनि से फैलती हैं, और अगर शनि पीड़ित हो कुंडली के अंदर, शनि बहुत सी चीजों का कारक भी है, शनि किन किन चीजों को कारक सिग्निफाई करता है, वो चीजें हैं कि जब भी हमें उन चीजों के बारे में कुंडली में देखना हो तो हमें शनि ग्रह को देखना होगा। तो शनि कर्म का कारक है, शनि हार्ड वर्क का भी कारक है, बहुत कारक है हार्ड वर्क का। अगर शनि अच्छा है तो ऐसा आदमी हार्ड वर्किंग होता है, कोई डाउट नहीं होता उसमें। आयु का कारक भी शनि होता है, दुख का कारक भी शनि होता है, रोग का कारक शनि होता है। कर्मचारी, जैसे मैंने बताया कि आपको अनस्किल्ड स्टाफ, सेमी स्किल्ड स्टाफ, स्किल्ड स्टाफ, वर्कमैन कैटेगरी जितनी भी होती है वो सारी शनि के अंडर में आती है, शनि ही कारक होता है उसका। कृषि द्वारा जीवन यापन, एग्रीकल्चर के द्वारा अगर जीवन यापन करना हो तो वो भी शनि के द्वारा ही होता है। ऑयल, लोहा, लंगड़ापन, कठोर परिश्रम तो उसमें आ ही गया, हार्ड वर्क जो भी है, नर्वस सिस्टम, आलस्य भी इसी से शनि से दिखा जाता है, विदेशी भाषा भी शनि से देखी जाती है, तकनीकी ज्ञान जितना भी है वो भी शनि से देखा जाता है, जोड़ों का दर्द, कठोर वाणी, उदासीन, अधार्मिक कर्म, जो कर्म जो धर्म के विपरीत हो वो वाले कर्म भी शनि से देखे जाते हैं, अनादर, गरीब, आजीविका, वृद्ध, ये कुछ कारक हैं जो शनि के द्वारा देखे जाते हैं। जब शनि बली होता है तो इंसान सहनशील होता है, अर्थव्यवस्था उसकी बहुत अच्छी होती है, मितव्ययिता होती है उसमें, धैर्य होता है उसके अंदर, आत्मविश्वास भरा होता है, स्थायित्व होता है उसके अंदर, कर्तव्य पालन की उसकी आदत होती है, सतर्कता रहती है उसके अंदर, सावधान रहता है, एकाग्रता होती है उसके अंदर, ईमानदारी होती है उसके अंदर अगर शनि बली। और जब शनि पीड़ित हो तो गरीबी का मुंह देखना पड़ता है, मृत्यु का मुंह देखना पड़ता है, दुर्भाग्य होता है, पुराने रोग हो जाते हैं, वृद्धावस्था होती है, और दासोचित कार्य यानी ऐसे कार्य जो दास लोग करते थे पुराने जमाने में, इस तरह के कार्य करने पड़ते हैं अगर शनि कुंडली के अंदर पीड़ित है। तो ये शनि का हमारे इस पे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट क्वालिटीज, प्रोफेशन, डिजीज और कारक क्या हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, समझ में आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोग अभी नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं अष्टक वर्ग के ऊपर, जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।